हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला में। तो दोस्तों, सीबीएसई की एक और लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है। आप तो जानते ही हैं कि सीबीएसई पूरा सरप्राइज से भरा हुआ है। तो दोस्तों, मैं पूरी अपडेट आपको बताऊंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपके सामने अपडेट है दोस्तों, सीबीएसई ने जो अभी मॉक ड्रिल का फैसला किया है दोस्तों, कि कल यानी कि 15 नवंबर को की जाएगी। आप ये पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। CBSE is gearing up to conduct CBSE board term exam 1 for class 10th and 12th. नोटिस के रिगार्डिंग दोस्तों, एग्ज़ाम जो हैं ऑफलाइन मोड में होंगे, इस पर ऑलरेडी चर्चा चल रही है। लेकिन CBSE ने कल एक मॉक ड्रिल करने पे दोस्तों एक सर्कुलर जारी किया है कि इसमें क्या होगा। आपने ये तो सुना होगा कि पॉलिटिक्स में मॉक ड्रिल होती है, जब कोई इलेक्शन होते हैं तो पहले मॉक ड्रिल करके देखा जाता है कि जब ओरिजिनली इलेक्शन होंगे तो सब कुछ वैसा होना चाहिए। तो ऐसे ही सीबीएसई ने इस पर मॉक ड्रिल करने का सोचा है 15 नवंबर 12 बजे के बाद। दिन में सीबीएसई जितने भी अपने एफिलेटेड स्कूल हैं जहां पे ये एग्ज़ाम होंगे, उन सब में मॉक ड्रिल करेगी। उसमें होगा क्या दोस्तों, 12 बजे के बाद, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो आपके क्वेश्चन पेपर होंगे वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में इन स्कूल को भेजे जाएंगे, वो डाउनलोड करेंगे और उनको प्रिंट लेंगे और बच्चों को देंगे, और OMR शीट्स भी आपकी डाउनलोड की जाएंगी और प्रिंट करके बच्चों को दी जाएंगी जब ओरिजिनल एग्ज़ाम होगी। और इन सब सेम चीज़ सब चीज़ों का एक मॉक ड्रिल की जाएगी। उसका देखिए क्या लिखा है, CBSE टर्म 1 मॉक एग्ज़ाम एनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर विल बी आउट ऑन 15 नवंबर 2021 एट 12 नून। ये मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं होंगे, ये एक मॉक एग्ज़ाम होगा, मतलब मॉक क्वेश्चन पेपर होगा। यहाँ पर मान लीजिए फेक टाइप एक क्वेश्चन पेपर होंगे जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आएंगे कल, ओनली फॉर मॉक पर्पस। OMR शीट्स भी डाउनलोड के लिए भेजी जाएंगी 15 नवंबर 2021 12 बजे के बाद। CBSE 12th एग्ज़ाम विल बिगिन ऑन 16 नवंबर 2021। CBSE के जो 10th के एग्ज़ाम है वो 17 नवंबर को शुरू होने वाले हैं दोस्तों। तो इस मॉक ड्रिल में दोस्तों होगा क्या कि जो भी एग्जैक्ट एग्ज़ाम्स वाले दिन जो भी प्रोसीजर फॉलो होंगे उनको एक बार पहले फॉलो करके देख लिया जाएगा कि उस दिन कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, ये एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन इतना कुछ अगर CBSE सोच रहा है तो उनको थोड़ा बच्चों के बारे में भी सोच लेना चाहिए था। चलिए, ऐसी ही रीसेंट अपडेट जैसे मेरे को मिलती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।